बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद जमानत पर बाहर आ चुके हैं। 2 अक्टूबर तक दिल्ली की अदालत ने उन्हें आतंकी फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। राशिद ने बाहर आते ही पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी शुरू की, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के निशाने पर भी आ गए। दोनों पार्टियों ने इनकी जमानत के बाद जम्मू कश्मीर चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई। दावा ये भी किया गया कि राशिद बीजेपी की टीम बी है। चुनाव में उनकी पार्टी आवामी इत्तेहाद पार्टी यानी AIP भी भाग ले रही है। चलिए जानते हैं कौन है इंजीनियर राशिद और जम्मू कश्मीर की राजनीति में उनका दमखम कितना है। अक्सर पठानी सूट और फिरन में दिखाई देने वाले इंजीनियर राशिद खुद को आम लोगों और उनसे जुड़े मुद्दों का पैरोकार बताते रहे हैं। टेरर फंडिंग मामले में 2019 से जेल में बंद हैं। उन पर कई आतंकी संगठनों को संरक्षण देने का आरोप लगा है। 2008 में मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होने से पहले वो मारे गए हुर्रियत नेता और JKPC के संस्थापक अब्दुल गनी लोन सज्जाद लोन के पिता के करीबी थे। 1978 में अब्दुल गनी लोन द्वारा स्थापित पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में वो शामिल हुए थे। गौरतलब है कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस उस समय अलगाववादी राजनीति खेमे का हिस्सा थी। हालांकि बाद में राशिद ने अलगाववादी राजनीति से किनारा कर लिया और सिविल इंजीनियर के रूप में सरकारी सेवा में शामिल हो गए। 2008 में कुपवाड़ा जिले की लंगेट विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर मुख्य धारा की राजनीति में औपचारिक प्रवेश किया और 2014 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने इसी सीट से जीत दर्ज की। बाद में आवामी इत्तेहाद पार्टी की स्थापना की। राशिद ने 2019 के संसदीय चुनाव में बारामूला से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन ने ये सीट जीती। 2024 में भी वो बारामूला से ही खड़े हुए और इस बार उमर अब्दुल्ला को अच्छे खासे अंतर से हराया भी। अब जानते हैं कि कैसे इंजीनियर राशिद के बाहर आने से जम्मू कश्मीर की सियासत बदल सकती है। राशिद ने इन चुनावों में खुद को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक नए विकल्प के तौर पर पेश किया। इस विधानसभा चुनाव में उनकी आवामी इत्तेहाद पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया। जानकार ये भी बता रहे हैं कि राशिद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान राशिद जेल में थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे। उन्होंने उत्तरी कश्मीर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। उनके लिए उनके बेटे अबरार ने प्रचार प्रसार किया। इस चुनाव में हालात कुछ बदले हैं। इस विधानसभा चुनाव में AIP से टिकट की बड़ी मांग है। कई लोग उनकी पार्टी से जुड़े हैं। राशिद की बेबाकी से अपनी बात कहने वाली इमेज उनके काम आ सकती है।